गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम अचार बनाने की विभिन्न प्रकार के अचार बनाने की विधि आपको बताएंगे। आम का अचार बनाना, सामग्री आम की फांकें 1 किलो, नमक 150 ग्राम, हल्दी 20 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, लाल मिर्च 10 ग्राम और 300 ग्राम तेल। आम धोकर पोंछ कर सुखाएं, उसके बाद लंबी फांकों में गुठली सहित काट लें। फांकों में नमक लगाकर भगोने में भर दें। 4-5 दिन तक धूप में रखें। फांकों का पानी बाहर निकल जाएगा और रंग पीला हो जाएगा। अब फांकों को नमक के घोल से बाहर निकालकर तथा एक साफ कपड़े पर फैलाकर 1-2 घंटे धूप में सुखा लें। मेथी, कलौंजी, सौंफ को मोटा कूट लें। अन्य मसाले बारीक पिसे होने चाहिए। मसालों को थोड़े से नमक, तेल, पानी के साथ फांकों में अच्छी तरह से मिला लें। अब जार में दबाकर भर दें, ऊपर से तेल भर दें। अचार तेल में डूबा रहना चाहिए। अब हम आपको नींबू का मीठा अचार तैयार करने की विधि बताएंगे। उसके लिए सामग्री चाहिए: कागजी नींबू 150 नग, गुड़ या चीनी 1 किलोग्राम, नमक 125 ग्राम, लाल मिर्च 25 ग्राम, गर्म मसाला 50 ग्राम और काला नमक 300 ग्राम। सर्वप्रथम नींबू को 4 फांकों में विभाजित कर लेते हैं। चीनी या गुड़ को छोड़कर बाकी का मसाला फांकों में भरकर नींबू का रस भी उसमें छोड़ देते हैं। प्रतिदिन मर्तमान को धूप में सुखाते रहते हैं। जब नींबू का छिलका गल जाए तब उसमें चीनी या गुड़ डालना चाहिए। चीनी या गुड़ धीरे धीरे गाढ़े हो जाएंगे और उसमें मिल जाएंगे। 1 या 1.5 महीने बाद अचार खाने के योग्य बन जाता है। इसी प्रकार हम अन्य सब्जियों के भी अन्य प्रकार के अचार भी बना सकते हैं, जैसे मिश्रित सब्जियों का अचार, प्याज का अचार, जमीरी का अचार आदि। अब हम फल संरक्षण के बारे में आपको बताएंगे। हमारे देश में प्रति वर्ष फलों के व सब्जियों का उत्पादन होता है। इनका पूरा उपयोग नहीं हो पाता तथा लगभग 25-30% सड़कर बेकार हो जाते हैं। हमारे देश में अभी इतने शीत भंडार गृह भी नहीं है कि इनको सड़ने से बचाने के लिए सुरक्षित रख दिया जाए। तब इन्हें सुरक्षित रखने के लिए फल संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाने के कुछ नए तरीके खोजे, जिन्हें फल संरक्षण विधि कहा जाता है। फल तथा सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए जैम, जेली, मार्मलेड, मुरब्बा, शरबत, अचार, चटनी, केचप आदि बनाए जाते हैं। मुरब्बा बनाना, मुरब्बे कुछ विशेष फलों के ही बनाए जाते हैं, जैसे आम, सेब, गाजर, आंवला, अनानास, पेठा आदि। मुरब्बा बनाने की विधि में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। मुरब्बे के लिए जो भी फल है वह अधिक पक्का या कच्चा नहीं होना चाहिए। उसमें दाग धब्बे कीड़े ना लगे हों, तभी मुरब्बा अच्छा बनता है। फल की फांके काटने के लिए स्टेनलेस स्टील का चाकू का ही प्रयोग करें। फल के अनुसार ही चीनी की मात्रा लें। 3 तार की चाशनी बनाएं। लगभग सभी फलों का मुरब्बा बनाने की विधि समान है। केवल खट्टेपन के कारण चीनी की मात्रा में थोड़ा अंतर होता है। सामग्री: फलों का गूदा 1 किलो, चूना 25 ग्राम, चीनी 1 से 1.25 किलो, छोटी इलायची 5-6, काली मिर्च आवश्यकता अनुसार। फलों को छील कर टुकड़े करें, गुठली व बीज निकाल दें। आम, सेब और अनानास पेठा, इन सभी के बीज निकाल दें। आंवला व गाजर साबुत ही लें। इन्हें भली प्रकार गोद कर चूने के पानी में रात भर भिगो दें। सुबह 2-3 बार पानी से भली भांति धो लें। इस प्रकार आप अचार, तरह तरह के अचारों का संरक्षण कर सकते हैं और फलों का संरक्षण कर सकते हैं। और सभी बच्चे इसे घर पर बनाने के अभ्यास करें। जय हिंद।